डेफिनेटली पहले जो फिटनेस का इतना आइडिया नहीं था मुझे, बट अभी जैसे लास्ट ईयर आरसीबी से मेरे को बहुत आइडिया लगा, बासु सर के साथ रहा मैं, तो मुझे मेन चीज़ जो सीखने को मिली वो यही थी कि ब्रीदिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी बॉडी में पूरी ऑक्सीजन जाती है, तो वो हेक्टिक नहीं होता है और वो लैक्टिक एसिड थोड़ा लेट बनता है, तो ब्रीदिंग का आप जितना कंट्रोल रखोगे आई गेस उतना ज़्यादा बेटर है वो। आई थिंक पूरा प्रॉपर, एक तो सबसे पहले है कि अगर उसकी बॉडी कितनी भी टायर्ड हो या कितना भी फ्रेश हो, बट प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को। उसके बाद जैसे उसकी जो एक सबका एक अपना अपना रूटीन होता है, आई गेस वो रूटीन उसको एनालाइज करे कि उसके लिए क्या बेस्ट है, उसको वो करके फिर मैच में उतरे। बिल्कुल, मेरी जैसे फिजियो सबसे इनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मेरा जो लोअर पोर्शन है वो ज़्यादा स्टिफ रहता है, तो मैं हमेशा उस पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, उसको ज़्यादा ओपन अप करता हूँ ताकि मैं अच्छे रिदम में बॉल डालूँ। रोक बैंड्स है आजकल तो बहुत टेक्निक आ गई, लूप बैंड्स है, रोक बैंड्स है, तो मैं उसकी हेल्प से, ट्रेनर की हेल्प से, तो उस चीज़ को ओपन अप, मतलब ग्लूट्स और आपके हिप जो होते हैं, हिप जॉइंट, इनको ओपन अप करने की कोशिश करता हूँ।